हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्पार्टेक्स के यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ है तो आप अपने लिंक्डइन अकाउंट के लिए कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके, सिंपल, आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है लिंक्डइन और इसकी वेबसाइट जो है उसको सर्च कर लेना। उसके बाद इस वेबसाइट को जो है आपने अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर आप मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपने इसको जो है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं थ्री डॉट्स देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइड वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। सिंपल, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर बनी होगी ना, ये वाली, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू प्रोफाइल, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंसिल वाला आइकन, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एंड पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म्स आगे, इसके एंड पे लिखे कॉन्टैक्ट इन्फो, प्रोफाइल यूआरएल, ईमेल, वीचैट आईडी, और इसके आगे ये पेंसिल वाला आइकन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपका जो पहले से जो आपका प्रोफाइल यूआरएल बना होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो है वो कस्टम एक यूआरएल बन जाता है। तो वो यहाँ पर आपको जो है वो शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं linkedin.com/in/abdulbasit, ये कुछ नंबर लिखे हैं, तो ये कुछ अजीब से है। तो आप कस्टम यूआरएल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको पहले से यूआरएल होगा ना, उस पर सिंपल आपने क्लिक कर देना है। तो एक न्यू टैब के अंदर ओपन होगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइज द यूआरएल फॉर यूअर प्रोफाइल, इसके नीचे आपका जो भी यूआरएल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा ये पेंसिल वाले के, इस पर आपने क्लिक करना है और आपका जो भी आपका ये यूआरएल होगा इसको आपने जो वो यहाँ पर सेट कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसको जो वो सेट कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने जो अपना एक यूआरएल बना लेना। तो मैं अब्दुल बासित लिखता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेव पर क्लिक करना है तो ये बोला दैट यूआरएल इज़ नॉट अवेलेबल, टाइप अ डिफरेंट यूआरएल। तो मैं आगे खटक लिख देता हूँ शायद ये अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये अवेलेबल था। तो ये अभी मेरा जो यूआरएल कस्टम बना है वो www.linkedin.com/in/abdulbasitkhatak जो है वो बन गया। तो इस तरह आप भी अपना जो है वो कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बैक आता हूँ और अपना कस्टम यूआरएल दोबारा वहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आप जो है वो अगर आप लिंक्डइन ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो अपने लिए कस्टम यूआरएल नहीं बना सकते। आपको डेस्कटॉप अगर मोबाइल के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो किसी ब्राउज़र ओपन करके जो लिंक्डइन की वेबसाइट है इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन करके फिर इस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। या अगर आप कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर सिंपल लिंक्डइन की वेबसाइट ओपन करके इसी तरीके से आप जो है वो अपने लिए कस्टम यूआरएल जो है बना सकते हैं। लिंक्डइन का जो आपका अकाउंट है उसके लिए कस्टम यूआरएल जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐप के अंदर भी ऐप दिखा देता हूँ। हमारी ऐप जो है उसके अंदर हमारा जो है वो ये कस्टम यूआरएल जो है वो चेंज हुआ होगा। जब मैं व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, बल्कि यहाँ पर नहीं शो होता, थोड़ा सा नीचे शो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.linkedin.com/in/abdulbasitkhatak, हमारा यूआरएल जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह अगर आप अपने लिंक्डइन अकाउंट आपने बनाया उसके लिए कस्टम यूआरएल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।